चलिए एनसीईआरटी के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे से हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोकें और इसे हल करने का प्रयास करें। हमें दिया है कि एक लाइट हाउस जिसकी समुद्री तल से ऊंचाई 75 मीटर है के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, माना जहाज ए जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री तथा जहाज बी जिसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो चलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ हमारे पास दो समकोण त्रिभुज ACD और BCD है। क्या आप बता सकते हैं कि कोण CBD और कोण CAD कितना होगा? कोण CBD 45 डिग्री और कोण CAD 30 डिग्री है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाजों के बीच की दूरी CA-CB होगा, जो कि AB के बराबर है। त्रिभुज ACD और त्रिभुज BCD में त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके हल करने पर हमें जहाजों के बीच की दूरी AB मिल जाएगी। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपने देखा कि यहाँ हमें AB 75√3-1 मिला। यही डिस्टेंस है दो जहाजों के बीच का। चलिए अब एक और प्रश्न करते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और फिर वीडियो रोक कर इसे हल करने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि अभी तक तो आपने चित्र बनाना सीख ही लिया होगा। चलिए दिए गए प्रश्न का चित्र बनाकर हल करते हैं। अगर आपने चित्र बनाया होगा तो वह कुछ इस प्रकार मिलेगा, जहां AB मीनार और BC हाईवे है तथा कार 6 सेकंड में बिंदु C से बिंदु D तक पहुंची। तो चलिए मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABD में त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करने पर हमें DB AB/√3 मिलेगा और त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करने पर हमें AB√3 BD+DC के बराबर मिलेगा, जिसमें BD का मान रखकर हल करने पर हमें DC 2AB/√3 मिलेगा। हम जानते हैं DC कार द्वारा लिए गए समय है, जो 6 सेकंड है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चलिए इसका प्रयोग करके प्रश्न को आगे हल करते हैं। दिया गया है कि दूरी CD जो कि 2AB/√3 के बराबर है को तय करने में 6 सेकंड लगा है। तो पुनः सूत्र का प्रयोग करने पर हमें कार की चाल AB/√3 के बराबर मिलेगी, अतः दूरी BD को तय करने में कुल 3 सेकंड लगेगा। इस हल को अपनी कॉपी में लिख लें। यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। दिए गए प्रश्न को अपनी कॉपी में हल करें। धन्यवाद।